हर धर्म में किसी ना किसी बहाने से व्रत या उपवास रखने का विधान है, जो धार्मिक मान्यता के अनुसार बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज श्री मंदिर की ओर से खास प्रस्तुति के माध्यम से हम व्रत के महत्व और इसके पीछे के वास्तविक कारण को समझने की कोशिश करेंगे। व्रत धर्म का साधन माना गया है, इसीलिए संसार के समस्त धर्मों ने किसी ना किसी रूप में व्रत या उपवास को अपनाया है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ आस्था से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, और आज विज्ञान भी उपवास के महत्व को स्वीकार कर रहा है। ये अक्सर देखा गया है कि जब आपका पेट खाली होता है तो आपका शरीर और दिमाग सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। शरीर में भीतर के शुद्धिकरण के लिए भी आपका पेट खाली होना बहुत जरूरी है। चलिए इसके लिए सबसे पहले व्रत या उपवास, इन दोनों ही शब्दों का मतलब समझते हैं। इनका मतलब समझ लिया तो इसका महत्व भी समझ आ जाएगा। व्रत, इस शब्द का मतलब होता है प्रतिज्ञा, किस चीज को कब करना है, किस दिन खाना है या नहीं खाना। ये व्रत सिर्फ मनुष्य ही ले सकता है, जानवर नहीं। इसीलिए व्रत का पालन भी हम ही कर सकते हैं। और ये बात आपको समझनी होगी कि खाली पेट ही हमारा उत्सर्जन तंत्र अच्छे तरीके से काम कर पाता है, और इस प्रतिज्ञा रूपी व्रत को पूरा कर ईश्वर को पाया जा सकता है। वहीं कुछ लोग व्रत को उपवास भी कहते हैं। उपवास, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और वास। ये दोनों संस्कृत शब्द हैं। उप का मतलब होता है नजदीक और वास का मतलब होता है निवास। इस तरह से उपवास का मतलब हुआ नजदीक में निवास। नजदीक में निवास, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? हम जो हैं वो वास्तव में बस भीतर ही हैं। हमारा शरीर तो क्षणिक और निश्चित नश्वर है। शरीर के नष्ट होने की वस्तु तो इस शरीर के भीतर ही मौजूद है, जो धीरे धीरे समय के साथ अपना काम भी कर रही है। हम कुछ भी जतन कर ले, कितना भी रोकने की कोशिश करें, उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हम तो सिर्फ एक आत्मा है जो अजर और अमर है, जो शाश्वत है, और हम इस शरीर को किसी भी विधि से बचा नहीं सकते। जो भोजन हम ले रहे हैं ये तो शरीर के लिए है, वो जो तरह तरह के भोजन और वासना की मांग करती रहती है, और इस नश्वर चीज के शाश्वत मांग को पूरा करते करते हम अपनी आत्मा को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि आत्मा सत्य और शरीर झूठ है, और इसी सत्य के नजदीक हमें वास करना है, इसी सत्य का एहसास करना है, और इसीलिए उपवास किया जाता है, ताकि हम शारीरिक मांगों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के नजदीक जा सके, इसको समझ सके, और हमारे अंदर जो दैविक शक्ति है उसको जागृत कर सके। उपवास ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि अंदर के जानवर की प्रवृत्ति त्याग कर मनुष्य बनकर मनुष्य की सेवा के लिए लिया जाता है। आपने देखा होगा, उपवास के बाद भंडारे का प्रसाद लोगों में बांटा जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए ताकि सबका पेट भरा हो। यही तो हमारे उपवास का सही मतलब है, दूसरों की सेवा और दूसरों की खुशी, और यही निस्वार्थ भाव हमें ईश्वर के करीब पहुँचाता है। और ये तभी संभव है जब मनुष्य भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता को अपना जीवन का केंद्र बनाने का व्रत ले, क्योंकि ये उपवास ही आत्मा के होने का एहसास दिलाती है और शरीर के अशुद्धियों को भी नष्ट कर देती है। यानी उपवास में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, दैविक और सामाजिक, इन सभी को आपके जीवन में लाने की शक्ति होती है। आप भी उपवास का प्रसाद ग्रहण करें और पूरी आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ से अपने अंतर्मन को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करें, और खुद की जागृति से खुद के और भोलेनाथ के नजदीक पहुंचे। श्री मंदिर की इस खास प्रस्तुति के माध्यम से आज आपने जाना जीवन में उपवास के सही मायने क्या होते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको ओम नमः शिवाय के अर्थ से रूबरू कराएंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। ओम नमः शिवाय।